लोकसभा में घमासान तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखबीर कटारिया के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक जनसभा को संबोधित कर उनके समर्थन में वोट मांगे। गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कुमारी शैलजा ने पहुंचकर लोगों को संबोधित किया और लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ने ही गरीबों के लिए जन कल्याण योजना की शुरुआत की थी। फिरोज गांधी कॉलोनी भी उसी की एक पहचान है, जहां गरीब परिवार के लोगों को 100-100 गज के प्लॉट देकर आज उन्हें रहने के लिए छत दी गई थी। लेकिन इस मौके पर कुमारी शैलजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया है। विकास के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। मंत्री एवं कांग्रेस से गुरुग्राम विधानसभा के प्रत्याशी सुखबीर कटारिया के लिए भी कुमारी शैलजा ने वोट की अपील की और कहा कि कांग्रेस की सरकार में सुखबीर कटारिया मंत्री थे और उन्होंने जो गुरुग्राम के खेल के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में कई बड़े कार्य किए हैं और आज उनका फायदा लोगों को मिल भी रहा है। यही कारण है कि आज एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं और सभी लोगों से उन्होंने अपील की कि सुखबीर कटारिया का समर्थन करें और 21 तारीख को उनको वोट देकर जीत भी दिलाएं। सुखबीर कटारिया ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने विकास कार्य कराए, इस बार उससे भी बढ़कर विकास कार्य होंगे और लोगों की सेवा में 24 घंटे पहले की तरह वो तत्पर नजर आएंगे। यही नहीं, गुरुग्राम के विकास के मैप को तैयार कर लोगों के सुझाव के साथ विकास कार्यों को कराया जाएगा।